की समीक्षा बैठक चल रही है आज, ऐसा नहीं? हाँ सब लोग सब एक उन्हीं से खाली पूछ लीजिएगा, हो गया होगा। जीतलका सेम क्या पूछते हैं, जीतलका कहेगा कि एकदम ताबड़तोड़ मेरे समर्थन में था। नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हैं, भैया से पूछते हैं जब कहे जीत गए। आप पर कोई सवाल नहीं, हार गए उन पे सवाल ज्यादा। कहां किन पे सवाल उठ रहा है, हारने वाले पे कहां सवाल उठ रहा है भाई, कहीं सवाल नहीं है। अब इसमें तो होते ही रहता है हार जीत, तो अब कहीं कुछ कमी रह गई होगी, ये बात है, बाकी तो सब ठीक है। ये तो माने पूरी पक्की बात है, वो सही बोल रहे हैं। सब लोगों को इसी तरह का सरकार का निर्देश था, सरकार के तरफ से सभी जिला पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी का निर्देश था, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो निचले स्तर के हैं पदाधिकारी उन लोगों को, और ख़ास करके पोस्टल बैलेट के मामले में ही निर्देश था कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टल बैलेट मंगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टल बैलेट इंतजाम किया जाए, ताकि लोगों को हम हेरा फेरी करके चुनाव हरा सकें। लेकिन चूंकि मगध में इतना बड़ा मार्जिन था कि ये लोग साहस नहीं जुटा सके फर्स्ट फेज के चुनाव में, क्योंकि हम वहीं से आते हैं, जहानाबाद से आते हैं, मतलब मगध को छोड़ के बाकी सभी, मैं बाकी नहीं माने वहाँ भी इस तरह का था। चूंकि एक हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारी बात हो रही थी, है ना, वो नाम नहीं ले बताने के शर्त पे हमको बताया कि इस तरह का जिला पदाधिकारी की तरफ से हम लोगों को इंस्ट्रक्शन था कि ज़्यादा से ज़्यादा बैलेट पेपर का इंतजाम किया जाए, आपका भी मामला गड़बड़। हाँ हाँ हाँ, सबका हुआ ही नहीं, बताए रहे सुधाकर भैया। देखा आपने कि किस तरीके से हार और जीत का जो खेल है वो हुआ, और इस खेल के बीच में आज समीक्षा बैठक है जो कि आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। सहयोगी नीरज के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना। Thank you.